और अब खबर मेरठ से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। एनकाउंटर में दो अपराधियों को गोली लगी। पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों पर लूटपाट का आरोप भी है। सरधना और जानी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, ये बड़ी खबर मिल रही है मेरठ से। एनकाउंटर में दो अपराधियों को ढेर किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों पर कई जो मामले हैं वो दर्ज थे। मेरठ में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एनकाउंटर में दो अपराधियों को गोली लगी है और पुलिस ने तीन बदमाशों को मौके से गिरफ्तार भी किया है। सरधना और जानी पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई। गिरफ्तार अपराधियों पर लूटपाट का आरोप है और कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दो बदमाश जिनके पैर में गोली लगी है और तीन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मेरठ में आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मुठभेड़ हुई बदमाशों के साथ, जिसके बाद तीन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एनकाउंटर के बाद तीन अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों पर लूटपाट का आरोप है। कई मामले इन पर दर्ज थे। मेरठ पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ आज हुई। लूट हुई थी, जिसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी और उसी गिरफ्तारी के दौरान ये उसके पूर्व भी एक सरधना क्षेत्र से आल्टो कार लूटी गई थी, जिसको देखते हुए पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान जो आल्टो कार आती हुई दिखाई पड़ी, उसको रोका गया। रोकने के समय वो सतवाई की तरफ मुड़ गए और वहाँ से ये भागने लगे। भागने के दौरान फिर इन पर बल प्रयोग किया गया तो इसमें दो बदमाश घायल हुए, जो सागर और राहुल नाम के बदमाश हैं। ये एक दिल्ली का रहने वाला, एक प्रतापपुर क्षेत्र का रहने वाला है। इनके कब्जे से सरधना में लूटी गई मारुति आल्टो कार और तमंचे बरामद हुए हैं। अब आपको पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की तीन और तस्वीरें दिखाते हैं। पहली खबर संभल की है, जहाँ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं औरैया की, तस्वीर है जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई और पुलिस ने एक आरोपी को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। तीसरी, और आपको बता दें कि एक आरोपी ने सरेंडर भी कर दिया। तीसरी तस्वीर हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर कोतवाली इलाके में गौकशों से जुड़ी हुई है, जहां पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने दो गौकशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।